हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी. दिस इज सोनल सकलानी. नेशनल सीट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अभी कुछ दिन पहले ही वैकेंसीज रिलीज़ करी थी फॉर डिफरेंट पोस्ट, और उसमें से जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ट्रेनीज और मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट. अभी नेशनल सीट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, और ये बेसिकली क्या करती है, जो भी सर्टिफाइड सीट्स और फाउंडेशन सीट्स हैं उनका प्रोडक्शन करती है, प्लस उनकी मार्केटिंग में डील करती है. तो अब इसमें एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी या ट्रेनी जब आप जाओगे तो आपके क्या क्या रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो मैनेजमेंट ट्रेनी है. इसमें जो एलिजिबिलिटी थी दैट वाज आपको बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए ग्रेजुएट, प्लस उसके साथ एमबीए होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में. ठीक है, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग जब आप एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप ज्वाइन करोगे तो क्या क्या रोल्स होंगे आपका. बेसिकली सी ट्रेनी है ये मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग वाले सारे रोल्स होंगे, मतलब कि जितना भी सीड का प्रोडक्शन हुआ है, फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड्स का प्रोडक्शन हुआ है, उसको कैसे मार्केट किया जाए, क्या क्या जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स हैं उसके साथ कैसे इसको लाइक पूरा इंटीग्रेट करके कैसे क्या किया जाए. ठीक है, सो यहाँ ये जो पूरा जॉब रोल है ये ऑलरेडी आपको जो इसकी साइट है उसमें दे रखा है, तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ इसमें क्या दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है क्योंकि ये सारी फील्ड क्रॉप्स का क्या है, फील्ड क्रॉप्स का सीड का प्रोडक्शन करता है, प्लस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो वेजिटेबल्स क्रॉप होती हैं उनके भी सीड का प्रोडक्शन करता है. ठीक है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से सबसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, प्लस उसके साथ क्या है जो डिफरेंट वेरियस स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया, मिनी किट्स वाली हो गई, आर के वी वाई हो गई, ये सारी स्कीम्स में जितने भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं फार्मर्स को, वो सारा आपको देखना है कि कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, एक्सटेंसिव विजिट देनी पड़ेगी आपको डिफरेंट विलेजेस में. तो अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में आप ऐसे जाते हो वहाँ पर, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा. ठीक है, सो डिफरेंट विलेजेस में डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ आपको डीलर्स का अपॉइंटमेंट करना है, रजिस्टर्ड डीलर्स जो हैं उनको आपको देखना है. टारगेट आपको दिए जाएंगे कि सेल्स का टारगेट वो आपको अचीव करना है, प्लस आपको जो इमेज है, ब्रांड इमेज है बेसिकली, कि जो फार्मर्स का ट्रस्ट है ना नेशनल सीड कॉरपोरेशन के सीड्स पे, उसको आपको बिल्डअप करना है. वो देखना है आपको कि कैसे आप बिल्डअप करते हैं और आपको अपने जो सेल्स के टारगेट हैं वो अचीव करने हैं. सुपरवाइज करना होता है वर्क को एट डिफरेंट मार्केटिंग सेंटर्स में, कोऑर्डिनेट करना होता है मार्केटिंग एक्टिविटी डिफरेंट जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनके साथ. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रेनी एज एग्रीकल्चर. इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो बीएससी एग्रीकल्चर है, 40 इसमें वैकेंसीज हैं. ठीक है, सो ट्रेनी एग्रीकल्चर में अगर आप जाएंगे तो आपको एट चाक लेवल एट फार्म्स वहाँ पर आपको वर्क करना पड़ेगा. बेसिकली देखो, जब सीड का प्रोडक्शन करते हैं ना, तो सीड के प्रोडक्शन में क्या है, आपको डिफरेंट जो क्राइटेरिया है, डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है, स्पेशली जो फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड में जब सीड का प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो फार्मर्स के पास जाके उनको इनपुट प्रोवाइड करने होते हैं, फिर आपको बीच बीच में इंस्पेक्शन करना पड़ता है कि स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं कि नहीं, वो सारे जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हैं वो सारे देखने पड़ते हैं. ठीक है, टाइमली अरेंजमेंट ऑफ हार्वेस्टिंग, हैंडलिंग ओवर ऑफ रॉ सीड टू द स्टोर, जब उनका प्रोडक्शन हो जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगी, फिर वो स्टोर में लेके आना, वो भी सारी क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड क्रॉप्स विद द सर्टिफिकेशन एजेंसीज. अब जो सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन है फॉर सर्टिफाइड सीड या फाउंडेशन सीड, वो क्या है, सर्टिफाइंग एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करवाना फार्मर्स का, वो भी इन्हीं का काम होता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रेनी मार्केटिंग. सो मार्केटिंग वाला अगेन वही वाला काम है कि जो भी प्रोडक्शन हो गया है, एक बार जो फार्मर्स ने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिया है सीड्स या फिर जो सीड स्टोर है, उस सारे का क्या है, मार्केट में लेके आना उसको. ठीक है, तो सारे फार्मर्स से कांटेक्ट करना विलेज लेवल पे, उनको कांटेक्टिंग द डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और उनसे क्या है, आपको रजिस्टर्ड जो डीलर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट लेके आनी पड़ेगी, फिर डीलर्स के साथ डील करना पड़ेगा कि ये जो प्रोड्यूस हो गया है इसको कैसे डील करना है, कैसे मार्केट में लेके जाना है. डेमोंस्ट्रेशन भी इसके साथ ही साथ क्या है,
डेमोन्स्ट्रेशन भी कंडक्ट करवाने होते हैं, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है वो भी फार्मर्स को बतानी पड़ती है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फील्ड डे एट द फार्म लेवल, जो फार्मर्स हैं उनको टेक्नोलॉजीज़ वगैरह बतानी पड़ती है, प्रोडक्ट्स भी बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा ट्रेनी मार्केटिंग का रोल है। फिर आता है हमारे पास ट्रेनी स्टोर्स। सो स्टोर में जब रखते हैं तो वहाँ पर जो भी प्रोड्यूस आता है उसको बेसिकली चेक करना, उसका सैंपल निकाल के उसमें चेक करना कि मॉइस्चर लेवल कितना है, इसका वेट कितना है, उस सब का क्या है, एक जगह पर आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, पूरा डेटा एंट्री आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो डेटा एंट्री का काम होता है इनका। इसके साथ ही साथ क्या है, इनकॉर्पोरेट ऑल डिटेल्स, जितनी भी रॉ सीड की जो रिसीट है उस पर सारी डिटेल्स लिखना, वो सारा होता है अंडरटेक। इसके साथ ही जब जो भी प्रोड्यूस है जब उसको स्टोर करके रखेंगे तो वो स्टोर में किसी भी तरह का पेस्ट ना लगे, ना डिजीज़ लग पाए, ना कोई इंसेक्ट पेस्ट लगे, तो उसके लिए क्या फ्यूमिगेशन वगैरह करना पड़ता है, स्प्रेइंग करनी पड़ती है, डस्टिंग करनी पड़ती है, तो वो सारा काम भी क्या है ट्रेनी स्टोर्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल। सो क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली मेंटेन करेंगे कि ये देखेंगे कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं। तो इनका काम क्या होगा, इंस्पेक्शन करना, जो भी फार्मर के फील्ड है वहाँ पर इंस्पेक्शन करना कि स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं कि नहीं। जब ये स्टोर में आ जाएगा तो उस टाइम भी सैम्पलिंग लेके ये देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं। तो क्वालिटी बेसिकली इनको मेंटेन करनी होती है। तो ये क्या करते हैं, गोडाउन्स के इंस्पेक्शंस करते हैं पीरियोडिकली, फील्ड के इंस्पेक्शन करते हैं, सीड प्रोसेसिंग जहाँ पर होती है वहाँ के इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल वाले को भी क्या है काफ़ी लाइक इधर उधर ट्रैवल करना पड़ेगा, मार्केटिंग वाले स्पेशली उनको ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। और जितनी भी क्वालिटी रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं वो भी सारी ये ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल ही अटेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू, इतना सारा जो अब काम करवा रहे हैं तो उसके बदले कितना आपको एमोलमेंट्स या सैलरी दी जाएगी। तो ये क्या है, एक तो ट्रेनी की अभी पोस्ट है जो वैकेंसी है, इसमें क्या है एक साल का ट्रेनिंग का पीरियड होगा, उसके बाद आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा वहीं नेशनल सीड कॉरपोरेशन में, ठीक है। सो एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, जब आप पहले एक साल ट्रेनिंग के टाइम पे आपको क्या है कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड मिलेगा इंक्लूडिंग डीए, डीए इसी में इंक्लूडेड है, 55,680 पर मंथ का, ठीक है। और एज अ ट्रेनी अगर आप काम करते हैं तो एक साल के लिए आपको 23,664 पर मंथ के बेसिस पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। इसके साथ ही इन एडिशन टू दिस एचआरए या फिर सिंगल सीटेड एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब एक साल कंप्लीट हो जाता है तो जो मैनेजमेंट ट्रेनीज़ है उनको एज ए असिस्टेंट मैनेजर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वहीं पर, ठीक है। और आपका जो स्केल ऑफ पे होगा दैट वुड बी 40,000 to 1,40,000 इसमें हो जाएगा। वेयर एज अगर ट्रेनी एज ए ट्रेनी आप काम करते हैं तो आपको एक साल बाद क्या है एज अ एग्जीक्यूटिव मैनेजर आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और प्लस आपका जो स्केल ऑफ पे होगा दैट वुड बी 17,000 to 60,000 जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और 17,000 to 60,000 आपका स्केल ऑफ पे होगा, ठीक है। सो ये सब था अबाउट दी जो भी जॉब प्रोफाइल है ऑफ द ट्रेनीज एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज, ठीक है। इसके अलावा जो CWC था, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, उसमें भी वैकेंसी आई है फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है। कुछ ही टाइम बाद जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है उसके भी ट्रेनीज और मैनेजमेंट ट्रेनीज का हम PYP जो है वो अवेलेबल करवा देंगे। आप रेगुलरली अगर साइट चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी उसके प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दैट वाज इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, जितने भी नए अपडेट्स हैं उसको पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।